हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ सीसीएनपी एंटरप्राइजेस। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम जानेंगे सीसीएनपी के अंदर हम कौन से सिमुलेटर के ऊपर काम कर सकते हैं और कौन कौन से राउटर्स एंड स्विचेस का यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीसीएनपी का ओवरव्यू दिया था आपको कि कैसे आप सीसीएनपी स्टार्ट कर सकते हो। आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच बताई थी और बॉटम टू टॉप अप्रोच बताई थी। डिजाइनिंग, आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, स्विचिंग एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया था। और इसके अलावा बहुत सारी ईमेल्स आपकी रिसीव हुई है जिसके ऊपर हमने सीसीएनए के इंटरव्यू लिंक्स सेंड किए हैं, एज वेल एज सीसीएनए का पूरा कोर्स भी शेयर किया है। अगर आप मिस कर गए हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी ईमेल आईडी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। आपको भी बहुत सारी चीजें जैसे कि नोटबुक्स, वर्कबुक्स एंड अनदर थिंग्स आपको ईमेल पे मिल जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, अगर आप हमारे व्यूअर अभी नए नए बने हैं तो प्लीज A2IT चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माय नेम इज राजीव कुमार, आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर सीसीएनपी कोर्स। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे सीसीएनपी के अंदर कौन से सिमुलेटर यूज होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सीसीएनए के अंदर हमने ओरिजिनल डिवाइसेस पे भी काम किया है और बेसिकली हमने देखा है कि ज्यादातर हमने जो वीडियोस बनाई है उसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर का यूज हुआ है। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको सीसीएनपी रूट के लिए स्पेशली। जी हां, ध्यान से सुनिए, सीसीएनपी रूट के लिए आप यूज कर सकते हो GNS3, ग्राफिक नेटवर्क सिमुलेटर। इसको ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर भी बोलते हैं, सम पीपल्स आर सेइंग ग्राफ नेटवर्क सिमुलेटर। तो ये एक ओपन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप राउटर की, स्विचेस की, फायरवॉल्स की इमेज इंस्टॉल कर सकते हैं। जो काम ओरिजिनल डिवाइसेस के ऊपर होगा आप GNS के ऊपर इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं इंस्टॉलेशन ऑफ GNS3, कैसे GNS के अंदर हम राउटर की इमेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहां पे जाता हूं, मेरे पास ऑलरेडी GNS का सेटअप है। GNS के काफी अपडेटेड सेटअप भी हैं, GNS3 1.2.0 3. का भी अभी सेटअप आ चुका है, लेकिन ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ सेटअप है और ये एक स्टेबल सेटअप है 0.8.6। इसके अंदर कोई भी राउटर की इमेज इजीली इंस्टॉल हो जाती है। तो मैंने सीसीएनपी के लिए 3725 राउटर की एक बिन फाइल डाउनलोड की हुई है, ये आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। तो ये 3725 राउटर की इमेज है जिसको हम GNS के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं GNS। तो मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो हम इसको यस करेंगे तो आपके सामने एक विजार्ड ओपन हो जाएगा, वेलकम टू GNS3। इसको नेक्स्ट कीजिए, आपने कोई चीज स्किप नहीं करनी है। यहां पे विन पीकैप, वायरशार्क, डायनेमिक्स, बहुत सारी चीजें इसमें, जहां पे आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। मुश्किल से ये 200 MB तक स्पेस लेता है। हाँ, जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो इसके अंदर आपने देखना है कि आपके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है और कहां पे स्टोर करनी है फाइल्स। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूं। अच्छा, मेरे लैपटॉप के अंदर और पीसी के अंदर विन पीकैप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये पूछ रहे हैं मेरे से कि क्या आप इसको अबॉर्ट करना चाहते हैं। आपके पास जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप विन पीकैप को इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपने शुरू से इंस्टॉल करना है। जैसे मैं यहां आई एग्री पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी था पहले, तो इसलिए मैं इग्नोर कर देता हूं इसे। तो आपके लैपटॉप के अंदर फर्स्ट टाइम होगा तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे लैपटॉप के अंदर यहां पे वायर शार्क सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। तो यहां पे ये कह रहा है कि वायर शार्क आपने इंस्टॉल करना है या नहीं, तो ये कह रहा है कि अनइंस्टॉल कर दीजिए इसे। तो चलो कर देते हैं अनइंस्टॉल और दोबारा से इसको इंस्टॉल कर देते हैं। वायर शार्क एक नेटवर्क पैकेट सिमुलेटर है जो कि पैकेट कैप्चरिंग करता है। तो ये मैं दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूं। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा राउटर किस राउटर से जुड़ा है। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हम नहीं चेक कर सकते, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हम ये चेक नहीं कर सकते कि कैसे काम हो रहा है, मतलब उसका बैकएंड प्रोसेस देखने के लिए हमें कमांड लगानी पड़ती है। जबकि GNS के अंदर वायर शार्क के थ्रू आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं।
मतलब आप जब लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, आपको सारी की सारी कोडिंग अलग से दिखाई देगी। तो ये मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट। तो ये कह रहा है आर यू श्योर यू डोंट वांट टू साइन अप, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ GNS3। अभी मैंने इंटरनेट बंद रखा है अपना, तो GNS3 ओपन होने जा रहा है। तो ये मेरा GNS3 ओपन हो चुका है। अब आप देखेंगे यहां पे डिवाइसेस, देखिए राउटर, यहां पे इमेजेस दिख रही हैं आपको, स्विचेस की बहुत सारी इमेजेस हैं, पीसीज लगा सकते हैं, यहां पे आप सिक्योरिटी डिवाइस ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी राउटर की इमेज इंस्टॉल करनी है, जैसे मैंने पहले प्रैक्टिकल किया था इस पे, तो मैं पहले डिलीट कर देता हूं जो इमेज है मेरे पास। तो मैं यहां पे जाता हूं पहले, और यहां पे क्लिक करके देखो कोई भी राउटर की इमेज आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं शुरू से आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू इंस्टॉल राउटर इमेज इन GNS3। तो सबसे पहले आप जाइए एडिट के ऊपर, एडिट के बाद आपने जाना है यहां पे iOS इमेज एंड हाइपरवाइजर। आप कंट्रोल शिफ्ट आई भी दबा सकते हैं। यहां पे आपको इमेज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे आपने अपना सेटअप रखा हुआ है। जैसे मैं दिस पीसी के अंदर मेरा सेटअप पड़ा हुआ है, ई ड्राइव के अंदर मैं GNS पे क्लिक करता हूं, तो मेरे पास ये इमेज दिख रही है 3725, तो मैं इस पे क्लिक करके सेव कर देता हूं। तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है। सेकेंड स्टेप के अंदर दोबारा एडिट के अंदर जाके क्लिक कीजिए प्रेफरेंसेस में, डायनामिक्स पे क्लिक कीजिए, और यहां पे आपको एक ऑप्शन करना पड़ेगा टेस्ट सेटिंग। डायनामिक्स के अंदर क्या होता है कि ये बैकएंड प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है, कि गोस्ट iOS सपोर्ट करता है, एनमैप को भी सपोर्ट करता है ये। तो ये डायनामिक्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब हम रेडी हैं अपना काम करने के लिए अपने राउटर के ऊपर। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे और एड ऑन करना चाहता हूं। अगर आपकी जो कंप्यूटर है उसकी जो मेमोरी है वो कम है, या प्रोसेसर छोटा है, आप अभी भी कोर i3 से नीचे कोर 2 ड्यू यूज कर रहे हो, तो एक बेस्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूं। एडिट में जाके दोबारा जाइए iOS इमेज में, और इस पे क्लिक करके यहां पे आपको मिलेगा आइडल पीसी। आप यहां पे ऑटो कैलकुलेशन कर दीजिए, ये आपके प्रोसेसर के हिसाब से आइडल पीसी की कैलकुलेशन कर देगा। तो जब भी आपका लैपटॉप, जैसे मैं प्रोसेस नहीं कर रहा हूं राउटर के ऊपर, तो ये अपनी कोई भी मेमोरी यूज नहीं करेगा। आप देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, थोड़ा सा इसके अंदर प्रोसेसेस होंगी, और ये कोई हमें आइडल पीसी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रोसेस करने के लिए यहां पे देखो नॉट रिस्पोंडिंग आ रहा है, बट ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये वैल्यू ढूंढ रहा है। तो अगर नॉट रिस्पोंडिंग आए तो आप इसको बंद करने की गलती मत कीजिए, ये अपने आप सेटिंग कर देगा अपने। तो आप देखिए वर्किंग आइडल पीसी वैल्यू फाउंड, और उसके बाद आप डिफॉल्ट रैम को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, जैसे मैं 224 MB कर देता हूं सेव। लो जी, तो अब आपके राउटर के अंदर राउटर की इमेज आ चुकी है, आप इसको ड्रैग करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा GNS के अंदर आप Layer 2 स्विचेस, इथरनेट स्विच भी यूज कर सकते हो, हब का भी यूज कर सकते हो, लेकिन हब ब्रॉडकास्ट ज्यादा करता है तो इसका यूज बहुत कम होता है। एटीएम ब्रिजेस हैं, एटीएम स्विचेस हैं इसके अंदर, बट हमारा काम राउटर स्विचिंग के ऊपर है। हाँ, इथर स्विच राउटर मतलब मल्टी लेयर स्विच का यूज कर सकते हैं, और फ्रेम रिले क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज होगा ज्यादातर। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, GNS3 राउटिंग के लिए यूज होता है, स्विचिंग के लिए हम ओरिजिनल डिवाइसेस यूज करेंगे। जैसे राउटर तो 3725 हो गया, 3825 ओरिजिनल डिवाइस हो गया। स्विचेस के अंदर अगर Layer 2 की बात की जाए तो 2960 स्विच है, और मल्टी लेयर स्विचेस के अंदर हम 3560 स्विच यूज करेंगे, 3650 स्विच यूज करेंगे। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही, ये था हमारा GNS। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम GNS के ऊपर एक डिजाइन बना के बताएंगे आपको कि कैसे राउटर्स को स्विचेस से जोड़ते हैं, कैसे एक राउटर को एज ए पीसी की तरह वर्क करवाते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर पीसी है वो एक क्लाउड की तरह डील करता है GNS के अंदर, तो हमें राउटर को ही एज ए पीसी वर्क करवाना पड़ेगा। कौन कौन सी केबल्स इसमें यूज होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहिए। आपको डेली नई नई वीडियोज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मोटिवेशन के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें,
लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।